ब्रेकिंग न्यूज, पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता के बीजापुर। यूसीपी रिपोर्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट। 100 करोड़ सरकारी नौकरियों की घोषणा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यूनिवर्स सिटीजन पार्टी से विनय बिरादर प्रधानमंत्री उम्मीदवार। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता के बीजापुर आगमन पर सरपंच प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह रानावत, ग्राम विकास अधिकारी जगत सिंह चौहान, उप सरपंच होम सिंह दहिया, तहसीलदार रवि शेखर चौधरी, नायब तहसीलदार तोलाराम देवासी, आरआई नरेश मुबारसा, पटवारी मोतीलाल सोलंकी ने साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के मार्फत ग्राम विकास अधिकारी जगत सिंह ने कलेक्टर को बताया कि तालाब में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी बदबू मार रहा है तथा ऑक्सीजन की कमी से मछलियां पानी में मर जाती है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंकाएं बनी रहती है। इसलिए तालाब के गंदे पानी की निकासी के लिए SH-62 के रोड कटिंग व भूमिगत पाइपलाइन की स्वीकृति प्रदान कर नरेगा से कार्य करवाकर तालाब में पड़े गंदे पानी की निकासी कराने की मांग की गई। इस पर कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में पूरे गांव की सहमति तो है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। इस पर सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। कलेक्टर ने इस कार्य को प्राथमिकता पर करने तथा मीठी बांध से तालाब को पुनर्भरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर वार्ड पंच भगाराम मेघवाल, नरेंद्र सिंह, पुखराज दमामी, गुलाबी देवी, हिरादस, विमला सुथारपुर, वार्ड पंच देवारम मेंशन, अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के जिला अध्यक्ष शंकरलाल रमेशा, सेवानिवृत्त अध्यापक मदन सिंह राव, ठेकेदार महेंद्र सिंह चौहान, रियाज खान, जगपाल सिंह, भवानी सिंह, ओटाराम हाटेला, सोहनलाल हाटेला, सोहन प्रजापत, हनुमान सिंह राव, मोतीराम, नगाराम, सकाराम मेघवाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। देखिए इसमें देखो एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने पंप जो होते हैं जो पानी सर्कुलेट करता रहे तो उससे यूज फिल्टर लगेगा और प्लस आपके ऑक्सीजन क्रिएट होगा पानी। सर तकलीफ क्या हुई है आपके लंबे समय से पानी इकट्ठा हुआ है, उसका एग्जिट नहीं है कहीं से? और जैसे आप एक फीट पानी पहले खाली करोगे पहले डालोगे सर, यहाँ से ड्रेन करेंगे और साइमल्टेनियसली वहाँ से लाएंगे, क्योंकि ड्रेन कर दे तो फिशेस मर जाएगी, वो साइमल्टेनियसली करेंगे तब ये सारा कचरा सा निकलेगा। जो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, जो अपन करना चाह रहे पंचायत रोड कटिंग करा के इसमें यहाँ से खाली करने वाले, इसमें सभी ग्राम वासियों की सहमति, कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद में सर क्या है, आगे एक व्यवस्था है टूटा तालाब तमाम 500 फुट 700 फुट का पाइप लिए क्या मिलते मेरे गाँव में सेंटर के लिए, वो मैं कर दूंगा। चलो ठीक है, आपके कार्यालय में करा अंडरग्राउंड पाइप लग जाएंगे वहाँ तक, तो हमारे पूरी सर से अगर एक बार तो पानी खाली करने वाला तो ठीक है, उसके अलावा भी अपने को ये रोटेशन करने वाला जो काम है ये अपने गर्मियों में एक बार पूछ लेता हूँ एक बार अरे बारिश विजयपुर में चार पोस्ट लेकर आप।
बीजेपी और कांग्रेस की सरकार यूं तो कई दशकों से देश में शासन कर रही है, मगर आज भी हमारा देश बहुत पीछे है। यहाँ की आम जनता ना तो खुश है, ना उनके पास जॉब है, और तो और हमारा देश टेक्निकली बहुत पीछे होता जा रहा है। यूं तो जनता और उनकी समस्याओं के बारे में कोई नहीं सोचता, मगर यूनिवर्स सिटीजन पार्टी आई है एक नई सोच के साथ, जिनका मिशन है गरीबी, क्राइम, कर्ज, बेरोजगारी और महंगाई मुक्त नए भारत का निर्माण करना, जहां होगा 100% एजुकेशन सब्सिडी, सबको सरकारी नौकरी, हेल्थ फैसिलिटी, सबका अपना घर, और इतना ही नहीं, देश की जनता को मिलेगा बिल्कुल मुफ्त पेट्रोल, डीजल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी भी। क्या आप भी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तलाश? क्या आप भी थक चुके हैं सरकारी नौकरियां तलाश करते करते? तो यूनिवर्स सिटीजन पार्टी की सरकार बनाए और सरकारी नौकरी पाए। 25 साल के ऊपर हर व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधाएं। यूनिवर्स सिटीजन पार्टी से जुड़ने के लिए अभी संपर्क करें। यूनिवर्स सिटीजन पार्टी, ध्यान मंदिर रोड, बिदर, कर्नाटका, इंडिया। कॉल नाउ। विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.ucpvoice.com www.universecitizenparty.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं universecitizenparty@gmail.com ucpvoicenews@gmail.com।